बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँ आपसे। ये ना पता क्या है, इस टॉपिक को मैं इस तरह से बोलता हूँ कि मान लीजिए आप एक काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, तो अगर आपको कोई बंदा बोलता है ट्रक में इतना पैसा नहीं है, टैक्सी में इतना पैसा है, तो आप ट्रक छोड़ के टैक्सी चलाना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपको ट्रक छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? आपको ट्रक छोड़ना पड़ जाएगा। जब ने ट्रक छोड़ दिया और टैक्सी चलाने लग गए, तो फिर आपका तो पैसा उतना ही बनेगा ना जितना पहले बनता था, 19-21 का फर्क होगा। अगर कोई बंदा कहता है टैक्सी में पैसा नहीं है तो ट्रक में ज्यादा पैसा है, तो आपको ट्रक दोनों को नहीं चला सकते ना इकट्ठे आप, तो आप या तो ट्रक चलाओगे या टैक्सी चलाओगे, दोनों नहीं चला सकते, राइट? ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं अराउंड जिनकी इनकम 250-300K की रेंज में अमेरिका के अंदर, जिनकी हाउस होल्ड इनकम 300K पहुंच चुकी है, और उनको मैं ये बात समझाता हूँ। ये तब सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लेट्स से कोई बिजनेस देखते हो, कहते हैं उनके लिए व्हाट इज अ वेरी बिग इशू, क्या करना है क्या नहीं करना उनके लिए बड़ा इशू, और मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। उसमें से एक चीज निकाल रहा हूँ, ये नहीं करना आपको। वो क्या करते हैं, वो कोई बिजनेस देखते हैं, उसमें 100K का प्रॉफिट है। अरे तुम्हारी सैलरी 150K पर हेड यार, तुम लोग 350K कमा रहे हो, तुम 100K के प्रॉफिट वाले बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हो, राइट? अगर आप उसमें उनको लगता है कि बिजनेस उनको लगता है कि बिजनेस पैसिव है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बिजनेस पैसिव नहीं है। मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। सो 250-300K में जो बंदे बैठे हैं, 350K की रेंज वाले, हाउस होल्ड इनकम 350K वाले, वो किस किस तरह की गलती कर रहे हैं, हजारों चीजें, क्योंकि मैंने बहुत गलती की है। राइट, मैं इसी रेंज में था ना काफी साल तक, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा गलती की, और उस वक्त मैंने बड़ा इवेल्यूएट किया कि वो वाली चीज कैसे गलत थी, राइट? तो ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो ट्रक चला के टैक्सी चलाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप जॉब छोड़ दोगे और रेस्टोरेंट खोल लोगे, तो रेस्टोरेंट के अंदर आपको पूरा टाइम लगाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ के इंडिया के रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अपना साइड पे चल रहा है और आप यहाँ घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं। आपने अगर डे केयर खोल लिया तो आप डे केयर आपका चल रहा है बढ़िया, आप घर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इन सभी बिजनेसेस में एक स्केलेबिलिटी इशू है कि जैसे आप एक से दो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। यू मे थिंक इट्स प्रोसेस बेस्ड, यू मे थिंक इट इसके अंदर चार रिसेप्शनिस्ट बैठी है, एक रिसेप्शन बैठी है, चार वर्कर्स बैठे हैं, पर आप उसको एक मैनेजर चाहिए जो कि आप ही होने वाले हैं। तो कौन सा बिजनेस जो है जो एक्चुअल मैनेजर रन है, जो एक्चुअल, लेकिन रिमेंबर मैंने थोड़ी देर पहले बताया ओनर ऑपरेटर, आप ओनर ऑपरेटर मोड में अगर काम करें तो फिर तो क्लियर साइंस है ना कि अगर आप जॉब कर रहे हो उसको छोड़ के अगर आपने ये करना स्टार्ट किया तो आपके उतने पैसे बने, तो फिर क्या फायदा हुआ? ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि लेट्स जंप इन टू द बिजनेस। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अमेरिका के अंदर, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका के अंदर कोई भी फायदा नहीं है। आप चुपचाप अपनी जॉब करो इससे अच्छा, क्योंकि 160 के कुछ करना नहीं, ऑफिस जाके ऐसे थोड़ा सा मारना है, दो तीन बातें करनी है, दो एक आधी मीटिंग में बगारना है कुछ, राइट? घर आके शान शौकत की नौकरी है। ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। इंडिया में बिजनेस और जॉब में बड़ा फर्क है इनकम्स में, यहां, राइट? जनरली स्पीकिंग आईटी के अंदर ऐसा नहीं, आईटी में बहुत अच्छी अच्छी इनकम्स हैं इंडिया के अंदर, तो जो बंदे इंडिया के अंदर आईटी का करियर परस्यू कर रहे हैं, दे शुड कंटिन्यू टू परस्यू दैट, उसमें बहुत बड़ा पैसा है। How to make more and more money in that, I will let you know. ठीक है ना, वो एक अलग चैप्टर है, वो बाद में बात करेंगे कभी। बट यहां पे आईटी में और एक ओनर ऑपरेटर मोड में बिजनेस चल रहा है, गैस स्टेशन ओनर ऑपरेटर मोड का बिजनेस है। आप खुद को आपको बनना पड़ा, कहते मेरा तो मेरे दोस्त को तो वर्कर है वहां पे। अरे जिस दिन वो वर्कर बीमार होगा उस दिन कौन जाएगा? दोस्त जाएगा ना, तो दोस्त ही अल्टीमेट बैकअप है। तो आप अल्टीमेट बैकअप का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि अल्टीमेट बैकअप है वो। जब किसी चीज की अल्टीमेट बैकअप है तो उसकी स्केलेबिलिटी बड़ी पुअर है, क्योंकि दोनों गैस स्टेशन में अगर दोनों वर्कर बीमार हो गए तो फिर आप कैसे करोगे? एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, पेशेंट्स को देखता है, वो स्केल नहीं कर सकता, 2-4-5 क्लिनिक नहीं खोल सकता। उसका रीजन है, अगर वहां पर किसी डॉक्टर एब्सेंट हुआ तो पेशेंट्स को कौन देखेगा? तो सारा सिस्टम बनाना पड़ता है यहां ऑपरेटर से। ओनर मैनेज तक तो चला जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैनेजर मोड में नहीं जाता। ये मैंने थोड़े दिन पहले समझाया था आपको, आप उसको जाके मेरे वीडियो को देखो, आपको दिख जाएगा। तो मैनेजर मैनेज्ड मोड में नहीं जाता। सबसे पहले इंसान जॉब करता है, फिर यानी कि एक बंदा टैक्सी है, मैंने जॉब समरी बता देता हूं, एक बंदा है जॉब करता है, फिर वो टैक्सी चलाता है, जॉब करता है, फिर वो अपनी टैक्सी ले लेता है, वो ओनर ऑपरेटर हो गया, फिर वो दो टैक्सी डाल लेता है, वो कहता है मैं जैसे काम करता है कोई और काम करेगा, वो ओनर मैनेज हो गया, वो मैनेज भी कर रहा है, सारा कुछ मैनेज वो करता है, और इस उसके बाद मैनेजर मैनेज्ड है। मैनेजर मैनेजर वाली नहीं आती यहां पे, क्योंकि मैनेजर्स आर वेरी एक्सपेंसिव।
इवन जब आप ऑनर मैनेज होता है तो बाकी जो काम दूसरा कर रहा है वो इज वेरी एक्सपेंसिव इस कंट्री में ना, इसके ये यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ऑनर ऑपरेटर मोड से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बंदे को खुद लगना पड़ता है तब जाके काम चलता है। बंदा कहता है जी मेरा एक दोस्त है जी उनका लिकर स्टोर है, लिटरली इतनी बगाड़ने की आदत है ना लोगों को यहाँ पे, तो इसके चक्कर में बड़े फंसते हैं बेचारे, जिन लोगों को पता नहीं होता बेचारे जॉब जो कर रहे होते हैं उनको लगता है पता नहीं ये बिजनेस वाला तो पता नहीं कितना बगाड़ रहा है ना, इतना पैसे बगाड़ रहे होते हैं ना। मेरा एक दोस्त है जी लिटरली यार सॉरी टू से उसकी उसकी जो सिस्टर है वो यार हाउस होल्ड सर्वेंट का काम करती हैं और वो भाई साहब जी बगाड़ रहे हैं बैठे, ये उसका लेवल था। और वो बंदा कह रहा है जी मैं तो लिकर स्टोर, मेरा लिकर स्टोर है उसमें, मैं नहीं कभी जाता, आई नेवर गो देयर। उसकी बीवी साथ बैठी कहती 6 महीने पहले तो जाते थे, जब से वो आकाश मिला तब से आप जा नहीं रहे हो, और आगे जब आकाश लगा फिर जाना पड़ेगा। बंदा चुप कर गया उसकी बीवी ने उसकी पोल खोल दी। 50 साल का बंदा अगर 5 महीने उसको जॉब पे नहीं जाना, मतलब उसको पैसिवली हो गया उसका काम, वो भी पूरी तरह पैसिवली नहीं होगा, आकाश जो भी उसका बंदा था उसको जाके उसको मिलना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, झूठ बोलते हैं लोग। ये इस कंट्री में ट्रूली पैसिव जो है एक बिजनेस होना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके ऊपर भी एक पूरी डिस्कशन होगी, और ये कोई ऐसे छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े जो मिलियन डॉलर कमा रहे हो तो फिगर आउट कर नहीं पाए, आप कह रहे हो आपका फॉर्मूला है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ट्रूली पैसिव यहां पे थोड़ा सा मुश्किल है जरा चीज खड़ी होना। एब्सेंटी ओनर का वर्ड आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पे, वो एब्सेंटी ओनर होते नहीं, वो ड्रामा करते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, एब्सेंटी ओनर कुछ नहीं होता, बड़ा बड़ा अनकॉमन है, मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कर सारी दुनिया कर रही है, बतेरी दुनिया कर रही है, हम करेंगे इंडस्ट्रीज को एनालाइज जिसके अंदर $1 million, $1.5 million, $2 million, $3 million का पोटेंशियल है और आप उसको कैसे अचीव करें, इंडस्ट्रीज में कैसे घुसें, जब हम ये बातचीत करना स्टार्ट करेंगे कि जो 500 के वाले हाउ टू ब्रेक द बैरियर ऑफ $1 million अ ईयर राइट, एंड 2 million तक कैसे पहुंचना है, तो वो वाले बैरियर पर जब हम बात करेंगे तो फिर आप उसके अंदर डिस्कशन में आएंगे, जरूर करेंगे। आई हैव ब्रोकन दैट बैरियर, सो इसलिए मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा, जरूर आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने किस किस तरह के चैलेंजेस किए, पर यार वहां तक तो आए जरा जहां पे पहले आप खड़े हैं 350 के। अब 350 के वाले बंदे बड़ी कॉमन थे, वो मुझे आके कहता है जी क्लब लेने वाला हूं, मैं कितना प्रॉफिट होने का, कहता है 250 के। मैंने कहा कहता अरे एंटर तो करने दे, अंदर जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इस बात को समझो, ओनर ऑपरेटर मोड के अंदर। दूसरा जनरल प्रिंसिपल मार्केट में घूमता है कि किसी के अंदर घुस जाओ, मैंने भी थोड़ी देर पहले मैसेज बनाया कि किसी के अंदर घुस जाओ, वंस यू गेट इनटू द थिंग देन यू कैन फिगर इट आउट। ये चीज थोड़ी सी 35 साल की उम्र में थोड़ा सा सोच समझ के करनी पड़ती है, क्योंकि 2 बच्चे हैं प्लस आपको गिरे पड़े थोड़ी हो, 350 की इनकम है यार, इंडिया नहीं है कि 350 की इनकम है आपकी, 4.5 million हो जाएगी, खुद ही तो देख तो रहे हो 200K का प्रॉफिट है उस नाइट क्लब में, तो आपके किसी काम का नहीं हो ये, वो उस पर मत जाओ अभी, तो थोड़ा सोच समझ के कौन से बिजनेस को करना हो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे बिजनेस अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस प्लम्बिंग कंपनी वाला, सेम प्राइस प्लम्बर, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन कंपनी वाला, सेम प्राइस इलेक्ट्रिशियन, सेम प्राइस शेफ, सेम प्राइस रेस्टोरेंट ओनर, रिमेंबर सेम इनकम। आपको मेरा दोस्त है वेटर है, उसको बड़ा कम करना इलीगल है यार, तभी 2500 रुपये काम कर रहे हैं ना, अदरवाइज जिस दिन वो हो गया वेटर नहीं देगा, कुछ काम बने हुए इस तरह से। अब वो गोरे हैं, गोरों की बात नहीं कर रहे, देसी, जस्ट वी डू नो द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, आवर डिस्कशन इज ऑल अबाउट देसी, ये गोरों तो पता नहीं कुछ और ही जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन की ये एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर आप ट्रक चला रहे हो, अगर आप उसको छोड़ के टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दोगे तो दोनों इकट्ठे थोड़ी चला लोगे, आपकी इनकम में 19 से 21 हो जाएगी, 21 से 19 हो जाएगी, आपको फर्क नहीं लगेगा। ये एक मिस्टेक बहुत लोग कर रहे हैं। एक बंदा कहता है जी नहीं मेरा दोस्त है उसका 450 उसकी एक कन्फर्म्ड उसका रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरों के अंदर आप वीकेंड में भी तो काम करते हो, सैटरडे संडे, फ्राइडे को भी काम करते हो, फ्राइडे शाम और सैटरडे शाम अक्सर रेस्टोरेंट में वो नंबर पीक डेज होते हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, ऊबर चलाना स्टार्ट कर दो अपनी जॉब के साथ, 350 के कमाते हो ना, आराम से 100 के और खड़े कर लोगे, फ्राइडे सैटरडे सबसे ज्यादा बिजी डेज होते हैं, पर आपको फ्राइडे सैटरडे पार्टियां करनी है, इंजॉय करना है, विच इज व्हाट यू शुड डू, आई एम नॉट अगेन डिनाइंग दैट यू शुड डू दैट, लेकिन ब्रदर प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप बिजनेस अगर आप कंपेरिजन करो प्रॉपरली करो, रेस्टोरों के अंदर ये भी तो फंड है ना, तो रेस्टोरों के अंदर पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 350, 400, 500 की रिटर्न कुछ भी नहीं, बड़े आराम से हो सकती है, बंदे को जरा थोड़ा सा लगना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो यहाँ पे चार तरह के लोग आते हैं मैंने पहले भी बताई ये बात, चार तरह के लोग आते हैं, ठीक है ना, जो बंदों की प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, दूसरे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तीसरे जिनकी इंग्लिश ओके है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है,
नंबर टू इंग्लिश है, वो थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज हो तो है ही। नंबर चार है जिनको कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है और इंग्लिश बहुत ही पुअर है, बिल्कुल ना समझ आती है ना बोलना आता है, वो भी सारे के सारे, वो चारों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज है कैसे इस कंट्री में सेटल होना है, कैसे इस कंट्री के अंदर बनाना है। मेरे पास एक, मैं वॉट के आंसर दूंगा, मेरे पास एक बड़ा स्कैन वॉट है, एक बड़ा सोचा समझा वॉट है जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड वॉट है कि क्या करना चाहिए, उनको बता सकूंगा कि ये करना चाहिए, स्पेसिफिक चीज करो तो आपको 100% पैसे बनेंगे। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ 350K के ऊपर जो बंदे अटके बैठे, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो अक्सर किसी भी चीज के अंदर घुस जाते हैं और उसको वैल्यूएट करने लग जाते हैं विद अ जनरल प्रिंसिपल कि यार नहीं यार करूंगा नहीं तो फिर घर रुका रहूंगा। अरे नहीं भैया ये सब नहीं, आप 350K कमाते हो, ऑलरेडी यू आर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर मैन, यू आर मेकिंग मनी विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। जॉब है क्या? इंडिया की तरह की जॉब थोड़ी है कि 5 लाख रुपए साल का मिलता है और 5 करोड़ रुपए बिजनेस में मिलेगा। बंदा कहते हैं मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता हूं, आई नो अ फ्रेंड जिसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया, ओनर ऑपरेटर मोड में लगाना पड़ता है। आप कहते हैं बड़ी इंडस्ट्री खोलूंगा, बड़ी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स अलग हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज $2 मिलियन $3 मिलियन बिजनेसेस जिसके अंदर आपकी इस तरह की इनकम्स है। फिर उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, विल टेल यू हाउ टू इवैल्यूएट दोज एंड हाउ टू गेट इनटू दोज। मैं खुद भी उसका एक स्टूडेंट हूं, खुद भी वैल्यूएट करता रहता हूं, खुद भी तरीके ढूंढता रहता हूं किसके अंदर मैं किस काम में घुस जाऊं, क्या काम करूं, और वो हम मिलकर करेंगे डिस्कस। बट वन थिंग इज श्योर, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू बिकॉज दे हैव अ पेटी रिटर्न एंड यू विल गेट स्टक एट द ओनर ऑपरेटर मोड इन दोज बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल इन क्लब, नाइट क्लब लेने का, उसमें आप ओनर ऑपरेटर मोड में जरूर फंसेंगे, उसका ओनर ऑपरेटर मोड बड़ा, क्योंकि वहां पे उसको होना पड़ता है वेटर्स ये वो इतने सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ डील करना, देर इज नो वे। आप कहेंगे मैनेजर रखूंगा, मैनेजर भी कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़ा कोई IIT दिल्ली से बड़ा होगा, IIT IIM से होगा, हार्वर्ड से बड़ा होगा, वो मैनेजर भी ऐसा सी होगा, तो उन सबके पीछे एक बंदे को बैठना ही पड़ता है तब जाके काम होता है प्रॉपरली, यू नो। एंड तो जो बंदा कहता है BJ's इज अ ग्रेट बिजनेस, BJ's जैसे कोई अपना खोल लो ठीक है, ग्रेट बिजनेस, 400-500 के रिटर्न है, फोई वाली बात आ जाती है यार 350 की है, थोड़ा बहुत आप टैक्सी चला लो, अगर आपको ज्यादा काम करने का मन है तो टैक्सी चला लो, फिर आपको पैसे आने लगेंगे। पर ट्रूली पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या, मुझे जरा देखेंगे। बट वन थिंग श्योर, देयर आर सो मेनी बिजनेसेस, ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बिजनेसेस व्हिच आर नॉट फॉर द पर्सन, जो IIT की जो इनकम अर्न कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 350 के करीब कमा रहे हैं, इंशाल्लाह कल को 400 कमाएंगे, परसों 500 कमाएंगे, थोड़ी देर में 600 के भी कमाएंगे। आपको ये बिल्कुल भी राइट बिजनेस नहीं है आपके लिए, कि काफी सारे बिजनेसिस आपके लिए राइट नहीं है, करेक्ट नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको और भी बिजनेसिस मैं हम करेंगे वैल्यूएट जो आपके लिए करेक्ट बिजनेसिस हैं, बट फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। काफी सारे बंदे रेंटल प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर रेंट कोई टेनेंट का इशू आ गया तो कौन जाएगा? पता है कितने लोचे हैं, मैं रेंटल प्रॉपर्टी का एक सेपरेट बिल बना दूंगा, कि सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इतने पंगे पड़ते हैं कि रेंटर वो कभी टेनेंट को नोटिस भेजने पड़ते हैं, टेनेंट रेंट नहीं देता, केस करने पड़ते हैं, सारा इतना हेडेक है कि कोई पैसिव वैसिव नहीं है अमेरिका के अंदर, ये इंडिया के अंदर पैसिव हो सकता है, यहां कोई पैसिव वैसिव नहीं है, ठीक है ना। रेंटल बिजनेस बिल्कुल भी पैसिव नहीं, उसको कैसे करना है प्रॉपरली अगर करना है सो दैट इट गिव्स यू यू नो मतलब इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, तो आपको कम से कम $1 million का आपका रेंट आना चाहिए साल का। फिर आज के मनाएंगे $100,000 का मतलब आपको हर महीने रेंट आना चाहिए, 1% ऑलमोस्ट 80-90K का, फिर आपको कुछ मतलब बनता है, फिर ये आपको कुछ देगा, फिर आपको ये कम हेडिक देगा, सारा कुछ देगा। और एक ही तरह की प्रॉपर्टीज रखना, आसपास रखना सारी, इसके पूरा फॉर्मूला है, आसपास रखनी है और मिनिमम $25,000-30,000 रेंट आना चाहिए विद अ परसेंटेज ऑफ 12% और 10%, नॉट मोर देन दैट। प्राइस टू रेंट रेशियो होनी चाहिए इतनी, प्रॉपर्टी टैक्स के बाद एटलीस्ट 8%, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपको 8% रिटर्न है प्रॉपर्टी टैक्स के बाद, ये इसके रूल्स ऑफ थंब बने हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, पास कर दिए मैंने बातों बातों में, इनको आप फॉलो कर सकते हो। और ये तब जब आपने कम से कम 25-30,000 की लेनी है, और तब भी ये आई डोंट नो वेदर इट्स वर्थ योर टाइम बिकॉज आप IIT के अंदर 350K अर्न करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिला के, तो आपको तो फिर वो ट्रक और टैक्सी वाली होगी, तो आप 100,000 को टारगेट करें तो ये पॉसिबल है। 25 घर चाहिए, 30 घर चाहिए, 3-3,000 वाले, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, राइट? तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो देखो जरा थोड़ा सा, बट ये फॉर्मूला है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप यू नो ये फिर से मैं वाली बात है कि बिल्कुल जस्ट लाइक दैट 350K की इनकम को लात ना मारो। दैट्स द रीजन मेनी पीपल कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि वो इंडिया नहीं है, 350K के मतलब सैलरी से बहुत ज्यादा पैसे बनेंगे, गैस स्टेशन ले लिया तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है ना। आई नो सम गाइज जो साइड में साइड गैस स्टेशन रखा पर उनको रियल एस्टेट एजेंसी चलाते हैं, और दैट दोज आर द गुड साइड गिग्स दैट यू शुड डू।
ये बिल्कुल करनी चाहिए, साइड की क्या आपकी जॉब के साथ साथ चलती है, इसको बिल्कुल करो, लेकिन प्लीज सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी जॉब छोड़ के रियल एस्टेट एजेंट का काम ना करो, क्योंकि फिर आपने टैक्सी चलानी छोड़ी और ट्रक चलाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा कम ज्यादा होगा बट कोई फायदा नहीं होगा, मेकिंग सेंस। और गाइस यही मेन प्रिंसिपल है, यही मेन एक प्रॉब्लम है काफी सारे लोगों के साथ जो 350 के 300 के की ब्रैकेट में खड़े हैं, 32-35 साल के हैं, अमेरिका के अंदर रहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। वो ये गलती बहुत कॉमन करते हैं, इतनी कॉमन नहीं करते हैं कि वो ये गलती बार बार कर, मतलब इन द सेंस की चीज, मेरा दोस्त क्लब देखता था हर दूसरे तीसरे महीने नया क्लब देखता, उसको जाके चेकआउट करता फिर पीछे हट जाता था, कभी उसको बैठ के एनालिसिस के समय पता नहीं चला, एंड दैट्स वेयर इज व्हाट वाज ही वांटेड टू ओन अ क्लब, बट ब्रदर उसको लिए थोड़ा सा बेसिक से तो पता होना चाहिए। मैंने आज आपको बेसिक रूल बता दिया कि अगर उसके अंदर मतलब कि मिलियन डॉलर का प्रॉफिट नहीं है वो आपकी किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि आप 350 के तो अर्न करती हो, थोड़ा सा 8 to 5 काम करके बस मेन टाइम में काम करके बाकी टाइम अपना फैमिली के साथ गुजारते हो, सैटरडे संडे एंजॉय करते हो, ये जो रॉयल लाइफ है ना जॉबों के साथ, ये इंडिया में नहीं होती ना, ये अमेरिका में मिलती है आपको, इसको आप अंडरमाइन कर रहे हो थिंकिंग की बिजनेस वाला कुछ ज्यादा पैसे कमा रहा है, बिजनेस वाले कोई कुछ नहीं कमा रहे होते कई बार, आई मीन ड्रामा कर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में कोई बिजनेस वाला स्मोक शॉप है जी, बंदा कहता है जी मेरी तो बड़ी इनकम है जी स्मोक शॉप के अंदर जी, मेरे तो बंदे रखे हुए हैं, कोई बंदा बंदा नहीं होता, जब बंदा नहीं आता सैटरडे फ्राइडे सैटरडे आप ही को जाना पड़ता, इतना कॉमन है यू कांट इमेजिन, स्मोक शॉप सिगार शॉप मोटेल होटल सब के अंदर बंदों को खुद जाना पड़ता है, बहुत बार जाना पड़ता है राइट, और वो होटल जो जिसके अंदर मैनेजर होता है उसका स्केल बड़ा तकड़ा होता है, 12-12, 15-15 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज है, तो ये बच्चे, मैं आऊंगा उन जगहों पे जहां मेरी इवैल्यूएशन कहती है कि दिस माइट वर्क, होटल इज वन ऑफ देम, लेकिन बंदा कहती है मैं लॉन्ड्रोमैट खोल लूंगा कितनी इनकम है 17,000 की, यार 17,000 की तुम्हारी अभी इनकम है, बंदा कहता नहीं फिर उसमें तो सारा कुछ काम होता है, मशीनें अपना काम करती हैं, भाई मशीनें खराब होती हैं, बड़े रीजन होते हैं, सवेरे ताला भी खोलना पड़ता है, शाम को ताला बंद करना पड़ता है, ये कौन करेगा, मैं आपको क्विक वैल्यूएशन करती है कौन करेगा, मशीन खराब होगी कौन ठीक कराएगा, आई नो वन गाय जिसने लॉन्ड्रोमैट निकाल लें अपने इसीलिए क्योंकि उसके पास अच्छी खासी इनकम है, अब वो कहता है यार मैं ये लॉन्ड्रोमैट इनसे हेडेक, क्योंकि वो जब खराब होता है उसको इसी वक्त अटेंड करना पड़ता है, टैक्सियों का बिजनेस भी ऐसी, अगर आपने टैक्सियां डाल दी 20-25 तो जब टैक्सी खराब होगी आपको इमीडिएटली अटेंड करनी पड़ेगी, ट्रकों का बिजनेस भी ऐसी जैसी ट्रक खराब होगा इमीडिएटली अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रक इज ऑफ द रोड आपका लोड डिले हो सकता है, टैक्सी के केस में कि चलो वो तो चला जाएगा टैक्सी खराब पड़ी है टैक्सी ऑफ द रोड, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके कारण आपको एक्टिव रहना पड़ता है और वो एक्टिव इनकम की तरह हो जाती है और वो कभी भी आपकी पैसिव इनकम नहीं बन पाती और फिर वो आपकी मेन इनकम के साथ कंपीट करती है, जब आपने अपनी जॉब छोड़ी है और आपको एक्टिवली ये काम करना पड़ गया तो फिर आप कहां रहे, क्या फायदा हो गया, बहुत सारे बिजनेसेस इसी तरह से बने हैं कि ओनर ऑपरेटर मोड में काफी ठीक पैसे ही आपको देंगे, इसके पीछे एक लॉजिक भी दे देता हूं, देखिए एक बात समझिए, इस कंट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हाई हो जाएगी ना तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ जाएंगे और उसको ग्रैब कर लेंगे, एक एमबीए का बंदा हायर करेंगे 150K में और उससे काम करा लेंगे और 350K और उनके लेट से 500 की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है तो 350K उस कॉर्पोरेट का प्रॉफिट होगा एंड दे कैन प्ले कॉर्पोरेट गेम देयर, तो दैट इज द रीजन सर्टेन लेवल से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती बिजनेसेस यहां पे जल्दी से आसानी से, ये समझने वाली बात है किस तरह के बिजनेसेस क्योंकि वो इवेल्युएट करेंगे लेकिन इनकी नहीं होती है, ठीक है ना, ये जो आप लॉजिक कर रहे हो तो बंदा कहता है जी मैं बिजनेस करना है, वो एक फंडा होता है ना मुझे बिजनेस करना, मैंने खुद बोला कि करो इंडिया पाकिस्तान में करो, लेकिन अमेरिका में यूके में होता है ना मैं बिजनेस करूंगा, करना ही करना चाहे जो मुझे बिजनेस ही करना है, वो सबकी यहां पर कोई जरूरत नहीं क्योंकि भाई जॉबों में ही इतना पैसा है राइट, साइड गिग्स कौन सी कर सकते हैं इन जॉब्स के साथ वो हम बात कर लेंगे, मैंने बता दिया रियल एस्टेट एजेंट कर सकते हैं, मॉर्गेज एजेंट कर सकते हैं, ऐसे काफी सारी साइड गिग्स हैं जो आप साइट में कर सकते हैं, देखिए रियल एस्टेट एजेंट में यही बात होती है कि टाइम आप फ्लेक्सिबल है, आप कहेंगे कस्टमर ने कहा मुझे मिल बात करनी है उससे, आप अपना कैलेंडर देख के बोलते हैं 3 बजे फ्री हूँ, कल को 4 बजे, परसों 3 बजे, 2 बजे फ्री हूँ, वो आप देख के जहाँ मैचिंग होती है उसके हिसाब से आप कस्टमर से मिल लेते हो और काम चल जाता है, हमेशा उसके अंदर यही होता है, तो इससे रियल एस्टेट एजेंट का काम चल जाता है, मॉर्गेज एजेंट का भी काम चल जाता है, ठीक है ना, तो वो सारी डिफरेंट साइड के एग्जाम इनको इवेल्यूएट किया करेंगे, ये गलती कभी ना करिएगा कि इंडिया की तरह जी मैं बिजनेस जॉब छोड़ के, मेरे को याद है मेरा एक दोस्त कहता जी मेरे को बिजनेस करना ही करना, उसके चक्कर में अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ने को तैयार हो जाता था, मैं इसको समझाया भाई तू 32-33 साल था, तेरे को 2 बच्चे ने, उन्होंने कितने रोटी खाऊंगा, तेरे को इनकम आ रही है 350 के, व्हाई डू हैव टू डू दिस। अच्छा मैं इस मामले में बड़ा लकी रहा गाइस, जब मैं आया था ऑफिस में मेरी इनकम तो कम थी, तो मैंने जब ऑब्वियसली मैं तो अकेला भी था और मेरी इनकम भी कम थी, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया,
अब वो मेरा बिजनेस भी मुझे उतनी इनकम देता था जितनी जॉब्स देती हैं, मतलब मे बी 5-6 लाख डॉलर, 7-8 लाख डॉलर दे देता था, तो दैट्स नॉट मच। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि 7-8 लाख, 6-7 लाख, 3-4 में कोई खास फर्क नहीं है, 6-7 पे थोड़ा सा फर्क नजर आता है, उसके मिलियन के बाद थोड़ा फर्क नजर आता है, बट असली फर्क 2-2.5 मिलियन के ऊपर ही कहीं होगा। मेरे मैं तो वहां तक पहुंचा भी नहीं, तो 1-1.5 मिलियन के ऊपर सर्टन किस्म का फर्क नजर आएगा। मैं आप सारी बातें बताऊंगा कि इनकमों का कितना फर्क पड़ता है इस कंट्री में, लेकिन वो सब छोड़िए। लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बहुत समझा था, भाई तू बिजनेस बिजनेस दिमाग से निकाल, तू अपनी जॉब पे ध्यान दे, तू और तेरी वाइफ दोनों जॉब करते रहेंगे, तुम इंक्रीज होती रहेगी, 120 उसकी थी, 120 की इसकी थी, 250 के आ रहा है, बड़ा घर है, सब खर्चे वर्चे हैं, बच्चे तो उनसे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार, ठीक है ना। उसके लिए बिल्कुल भी राइट थिंग नहीं थी मेरे लिए, तो मेरा तो मैं तो लकी रहा, मैं तो वही कहता हूँ कि ऊपर वाले का हाथ था, कुछ ऐसे एवेन्यूज मिले, बस वो करते चले गए, वो इंडिया वाला पैशन उसके लिए भी जो चीज़ पकड़ में आ गई उसके पीछे पड़ गए, और वो उसमें रास्ता निकलता चला गया, एंड देन आई वॉज प्रीटी मच मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरीबडी वॉज मेकिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, देन लकी मेरे पास एक और फॉर्मूला लगे जिसमें मैं ज़्यादा पैसे बनाने लग गया, और वही फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारे धीरे धीरे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।